Normalization is a process of decomposing our relations, which we call tables, so that they can be reduced, so that we can reduce the anomalies and different type of dependencies from the relationship. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं यहाँ पे. Normalization क्या चीज़ है? Normalization एक ऐसा process है जिसके अंदर हम लोग tables को decompose करते हैं. Decompose means उसको हम लोग उनको हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको हम लोग छोटे छोटे टेबल्स के अंदर तोड़ देते हैं. यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों ने पहला पॉइंट याद रखना है कि नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली अ ब्रेक डाउन ऑफ अ लार्जर टेबल्स इनटू अ स्मॉलर टेबल्स. अब ये ब्रेक डाउन हम करते क्यों हैं, इसके बुने बेसिकली दो रीजंस हैं. पहला रीज़न ये है कि उनमें से अनोमलीज को रिड्यूस किया जा सके. अनोमलीज आप लोगों को भी पढ़ाई हैं, इंसर्शन अनोमली, डिलीशन अनोमली और अपडेशन अनोमली. वो तीन तरह की जो अनोमलीज हैं उन टेबल्स के अंदर से क्या है कि रिड्यूस की जा सकें. और दूसरा रीज़न ये है कि उसमें जो टेबल्स के अंदर जो डेटा की डिपेंडेंसी थी, जो डेटा एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था, उस डिपेंडेंसी को भी रिड्यूस किया जा सके या ख़त्म किया जा सके. अभी लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को डेटा डिपेंडेंसी के बारे में बताया था. जब हम लोग डेटा को डिलीट कर रहे थे, डिलीशन अनोमली जब आप लोग पढ़ रहे थे, उस लेक्चर को रिकॉल करें दोबारा, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ. यहाँ पे डिलीशन टेबल के अंदर देखें डेटा की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे देखें स्टूडेंट का डेटा और कोर्स का डेटा एक ही टेबल के अंदर आ रहा है. अब डेटा डिपेंड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, स्टूडेंट का डेटा कोर्स के डेटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है और कोर्स का डेटा स्टूडेंट के डेटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अब मैं कोर्स का डेटा जब डिलीट करूँगा तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी साथ में डिलीट हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो रो है वो सारी की सारी रो कम्प्लीटली साथ में डिलीट हो जाएगी. एक डेटा को डिलीट करने से क्या है कि पूरा का पूरा रो क्या है इफेक्ट हो रही है, ठीक है. इसी तरीके से इंसर्शन अनोमली में भी क्या है, डेटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कोर्स फर्ज कर लें हमने कोर्सेज का डेटा टेबल के अंदर एंटर कर दिया, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर फर्ज कर लें अभी तक स्टूडेंट्स ने एडमिशन ही नहीं लिया. जो कोर्सेज का टेबल होगा उसके अंदर जो स्टूडेंट कॉलम के जो फील्ड्स होंगे, कॉलम के जो सेल्स हैं जिसमें स्टूडेंट का डेटा आना है, वो वाले सेल्स क्या हैं, खाली रह जाएंगे. स्टूडेंट नंबर वाला कॉलम खाली पड़ा होगा, स्टूडेंट नेम वाला कॉलम खाली पड़ा होगा और स्टूडेंट एड्रेस वाला कॉलम जो है वो खाली पड़ा होगा. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डेटा को हमने एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया है. अब यहाँ पे नल वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है. ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को यहाँ पे? यस जनो का आप लोगों को समझ चाहिए कि ये पॉइंट यहाँ पे समझ आ गया नहीं समझ आ गया? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? कोई डाउट किसी को? ठीक है, ओके. अब वापस चलते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर हम फिर से. Normalization is a step by step process. Each step or stage results in a normal form. Normalization के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये step by step process है. हमारे पास हर step के ऊपर कोई ना कोई हम लोग anomaly को या dependency को remove करने की हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं, और हर step के बाद, हर stage के बाद हम लोग अगली normal form पे आ जाते हैं, ठीक है. नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट्स इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड स्मॉल रिलेशनशिप्स, स्मॉल रिलेशंस विद रिड्यूस्ड डेटा डुप्लीकेशन. जिस वक्त आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोगों के पास जो डेटाबेस के टेबल्स आप लोगों के सामने आएंगे, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, छोटे छोटे टेबल्स होंगे. रिलेशन का आप लोगों को पता है, रिलेशन हम किसे बोलते हैं? रिलेशन एक तो रिलेशनशिप वाला रिलेशन है, ये वो वाला रिलेशन नहीं है. हम लोग डेटाबेस के टेबल को भी रिलेशन कहते हैं. तो जब आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों के पास जो डेटाबेस के टेबल्स आएंगे, एक तो वो छोटे साइज़ में होंगे और उनके अंदर डेटा की जो डुप्लीकेशन है वो भी बहुत कम होगी, रिड्यूस्ड फॉर्म में होगी, और उनका एक प्रॉपर आपस में स्ट्रक्चर होगा. देर आर सम मेन रीजन्स फॉर विच वी डू नॉर्मलाइजेशन. यहाँ पर कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं. वो रीजन्स क्या हैं? The first reason is to reduce the duplication of data. पहले भी बताया था, बार बार ये चीज़ बताई जा रही है, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के जहन में ताकि बैठ जाए कि डेटा की डुप्लीकेशन को रिमूव करना हमारा एक बहुत बड़ा हमारा टास्क है. डेटा की डुप्लीकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पैदा करती है. डेटा डुप्लीकेशन अगर आपके टेबल में बहुत ज़्यादा हो रही होगी, तो ये जो तीन अनोमलीज हैं उनके आने के 99% चांसेस हैं. अगर आपके डेटाबेस के टेबल के अंदर क्या है कि
डुप्लीकेशन हो रही है तो आपके टेबल के अंदर, आपके डेटाबेस के अंदर वो जो 3 अनोमलीज हम लोगों ने पढ़ी थी उनके आने के 95% चांसेस हैं, और आपके डेटाबेस के टेबल के अंदर डेटा की डिपेंडेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। पहला टास्क तो ये है कि डेटा की डुप्लीकेशन को हम लोगों ने रिड्यूस करना है, दूसरा काम यह है कि हम लोगों ने अनोमलीज को रिमूव करना है, और तीसरा टास्क ये है कि क्यूरीज को सिंप्लीफाई करना है। अब क्यूरीज ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई हो जाएंगी जिस वक्त आप लोग नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करोगे बच्चे, तो आप लोगों के छोटे छोटे टेबल्स आप लोगों के पास बन जाएंगे। वो छोटे छोटे टेबल्स होंगे, उन टेबल्स के दरमियान क्या है कि रिलेशनशिप बने होंगे, तो उनके लिए क्या है कि क्यूरीज को लिखना आसान हो जाएगा। जब डेटाबेस का टेबल का स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है तो उसके लिए जो क्यूरी हम लोग लिखते हैं वो भी एक कम्प्लेक्स क्यूरी लिखी जाती है, वो क्यूरी आसान नहीं होती, सिंपल क्यूरीज आप लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन हमें बहुत सारे फ़ायदे देती है कि ताकि हम सिंपल क्यूरीज लिख सकें, डेटाबेस के अंदर डेटा की डुप्लीकेशन को रिमूव कर सकें और अनोमलीज को ख़त्म कर सकें। अब यहाँ पे 5 नॉर्मल फॉर्म्स हैं, देयर आर 5 नॉर्मल फॉर्म्स मोस्टली, वैसे कुछ बुक्स के अंदर 8 नॉर्मल फॉर्म्स भी हैं, कुछ में 7 भी हैं, कुछ में 6 भी हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर 5 नॉर्मल फॉर्म्स को कंसिडर किया जाता है, और उन 5 नॉर्मल फॉर्म्स में भी जो ज़्यादातर इन यूज़ हैं, जो ज़्यादातर जो जिनको यूज़ करने से आपके प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं, वो कौन सी हैं? 3 हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो हम नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ेंगे या आप जो प्रोजेक्ट कल को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर आप लोग करोगे तो उनके अंदर 3 नॉर्मल फॉर्म ही ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही होती हैं। जो 3 के बाद वाली नॉर्मल फॉर्म है ना, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th हो गई, ये वाली ज़्यादातर या तो इस्तेमाल नहीं होती या इन तक पहुंचने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़रूरत हमें क्यों नहीं मिल पड़ती इन तक जाने की? क्योंकि हमारा ज़्यादातर थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही हमारा जो डेटाबेस का टेबल है वो वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ तक तब भी हम लोग जाते हैं कि अगर हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर उस प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें ना मिले। ये जो 4th, 5th, 6th है ना, बेसिकली ये ऐसे समझ लें कि जो पहली 3 नॉर्मल फॉर्म्स हैं इनको ही समझ लें कि बार बार एक तरह से रिपीट किया गया है। तो बेसिकली 3 नॉर्मल फॉर्म्स ही हम लोग पढ़ेंगे, इन्हीं 3 नॉर्मल फॉर्म्स को आप लोगों ने याद रखना है, इन्हीं को कल को आप लोगों ने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, अगर आप लोग इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर या कहीं पर भी आप लोग क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट करोगे तो इन नॉर्मल फॉर्म्स को, 3 नॉर्मल फॉर्म्स को आप लोगों ने वहाँ पर यूज़ करना होगा, और इनकी मदद से आप लोगों के डेटाबेस के इशूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अ नॉर्मल फॉर्म इज़ अ स्टेट दैट अ रिलेशन और अ टेबल अंडरगोज आफ्टर अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ रूल्स टू एरेडिकेट और टू रिड्यूस द डिपेंडेंसीज एंड अनोमलीज। दे आर सम टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स इन द नॉर्मलाइजेशन विच आर गिवन बिलो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या चीज़ है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपका टेबल, हम लोग किस वक्त कह सकते हैं कि आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ये चीज़ हम लोग कब कह सकते हैं? अब बात को गौर से सुनिएगा। अ टेबल इज सेड टू बी अ रिलेशन और अ टेबल इज सेड टू बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट डज नॉट हैव एनी रिपीटिंग ग्रुप और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब ये जो मैं यहाँ पे डेफिनेशन इनकी लिखी हुई है, ये आप लोग समझ लें कि इसको रट लें, इसको आप लोगों ने जहन में याद रखना है, क्योंकि जब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल इसकी करेंगे तो उस वक़्त आप लोगों के इनके बारे में पता होना चाहिए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं। आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में उस वक़्त कहलाएगा कि जिस वक़्त उसके टेबल के अंदर कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं होगा और उसके अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होंगे। अनस, यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया था जब हम अनोमलीज पढ़ रहे थे कि एक ही सेल के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हम लोग कॉन्कैटिनेट कर दें, वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बन रहा था वहाँ पर। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से ये चीज़ वो कह रहा है कि उस टेबल के अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए और रिपीटिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए। अभी ये रिपीटिंग ग्रुप क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है, ये अभी मैं बताऊंगा। फिर हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म करके देखेंगे, फिर हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पर जाएंगे, फिर हम थर्ड पर जाएंगे, इसी तरीके से हम पूरी की पूरी कम्प्लीट एक एग्जाम्पल करेंगे। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या है, इसके अंदर क्या है कि आपका टेबल तब होगा, आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तभी कहला सकता है अगर उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। अ टेबल इज सेड टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट डज नॉट हैव एनी पार्शियल डिपेंडेंसी इन इट, ठीक है। यह है आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या चीज़ है? अ टेबल इज सेड टू बी इन
third normal form if it does not have any transitive dependency in it. ठीक है, अगर टेबल के अंदर कोई ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी नहीं है तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा. अब ये तीन नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में आप लोगों को बताया. अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूँ कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे और थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे दोबारा आए. यहाँ पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एक और यहाँ पे शर्त भी है, एक और यहाँ पे पॉइंट भी है. वो शर्त ये है कि पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि टेबल आप लोगों का सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उस वक्त होगा जिस वक्त उसके अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी. प्लस यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल के लिए एग्जिस्ट होने के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी. मतलब कहने का ये है कि टेबल मस्ट बी अ टेबल शुड बी इन अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देन इट विल बी इन द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. कि टेबल को पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना पड़ेगा, उसके बाद वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है. अगर टेबल आप लोग मतलब डायरेक्टली इसको क्या है कि ऐसा नहीं कर सकते कि उसके रिपीटिंग ग्रुप आ रहे हैं, मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट्स भी उसके अंदर पाए जा रहे हैं और आप कहें कि जी ये मेरा टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, ऐसा हर केस पॉसिबल नहीं है. टेबल आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में उस वक्त ही होगा कि जिस वक्त वो पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और उसके अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं हो. इसी तरीके से आपका टेबल 3NF के अंदर या थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर उस वक्त कहलाएगा जिस वक्त वो 1NF और 2NF के अंदर होगा ऑलरेडी और उसके अंदर कोई ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी. बात समझ आ क्लियर होगी यहाँ पे? यहाँ तक कोई इशू है किसी को? यहाँ पे पॉइंट जो मैं बताया मैंने क्लियर हो गया है? सर ये पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिपीट कर दे सर, ये क्या चीज है? अभी मैंने बताया नहीं, अभी तो मैंने पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया. अभी रिपीटिंग ग्रुप, पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इन तीनों के बारे में मैं बताऊंगा. फिर हम लोग क्या है कि एग्जाम्पल करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को परफॉर्म करके देखेंगे. अभी मैंने नहीं बताया, अभी जस्ट मैंने ये चीज़ बताई है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर पॉइंट बताया, याद रखने वाला पॉइंट बताया कि उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर टेबल तब होगा कि अगर वो पहले से सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है और उसके अंदर कोई ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी नहीं है. अभी मैंने जस्ट इतना बताया. अब मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, अभी अगले लेक्चर तक भी जाएगा. अब मैं बताऊंगा रिपीटिंग ग्रुप के बारे में, फिर हम पार्शियल डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन करूंगा, फिर ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी को, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल करवाऊंगा. तो थोड़ा सा मतलब आप लोगों ने इसको क्या है कि जो शहरी में ना थोड़ा सा ज़्यादा सही तरीके से आप लोगों ने शहरी करनी है अगले लेक्चर के आने से पहले, क्योंकि अभी डिटेल लेक्चर है ये. रिपीटिंग ग्रुप क्या चीज़ है? रिपीटिंग ग्रुप इज़ बेसिकली, आसान अल्फाज में, थ्योरी में चीज़ें लिखी हुई हैं, आसान अल्फाज में समझ लें. रिपीटिंग ग्रुप में क्या होता है कि आपका जो डेटा है एक सेम की का डेटा होता है, डेटा एक ही की का होता है, एक ही इंस्टेंस का डेटा होता है, एक ही एंटिटी की इंस्टेंस का डेटा होता है, लेकिन वो डेटा मल्टीपल प्लेसेस पे क्या है कि वो रिपीट हो रहा होता है. अभी लास्ट एग्जाम्पल जो मैं करा रहा था एनोमलीज के, उसके अंदर भी रिपीटिंग ग्रुप आ रहे थे. मैंने बताया नहीं था, क्यों नहीं बताया था, क्योंकि आप लोग उस वक्त कन्फ्यूज़ हो जाते. अब यहाँ पर देखें, आप लोगों के सामने एक टेबल आप लोगों के सामने शो हो रहा है. अब यहाँ पे देखें, जॉन डो कह लें या जॉन कह लें इसको, जॉन और एन स्मिथ है. यहाँ पे दो बेसिकली क्या हैं, यूज़र्स हैं, इनका डेटा रिपीट हो रहा है सेम, हालांकि सेम यूज़र्स का डेटा है. जैसे कि पिछली एग्जांपल हम लोगों ने की थी जहाँ पे वो कोर्सेज और स्टूडेंट्स का हम लोग एनोमलीज को समझने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर भी रिपीटिंग ग्रुप आ रहे थे. अब यहाँ पर देखें, सेम स्टूडेंट का डेटा सेम टेबल के अंदर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है. ठीक है, जॉन का डेटा दो बार आ रहा है, ये रिपीटिंग ग्रुप है एक जॉन वाला. अब इस टेबल के अंदर देखें कितने रिपीटिंग ग्रुप हैं, एक रिपीटिंग ग्रुप एन स्मिथ वाला है और एक रिपीटिंग ग्रुप क्या है कि जॉन वाला है. यहाँ पे दो रिपीटिंग ग्रुप हैं. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रिपीटिंग ग्रुप के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी बता देता हूँ, हम लोग ये करेंगे कि हम लोग इस टेबल को तोड़ देंगे, इस टेबल को हम लोगों ने ब्रेक कर देना है. ब्रेक कैसे कर देंगे कि स्टूडेंट का टेबल अलग बन जाएगा और दूसरा इसके अंदर डेटा किस चीज़ का है, यूनिट का डेटा है, उसमें यूनिट कोड आ रहा है और यूनिट नेम आ रहा है. ठीक है, ये टेबल हमारा अलग हो जाएगा और स्टूडेंट का टेबल हमारे पास अलग हो जाएगा. अब देखें यहाँ पे कैसे, पहले ट्रैक्ट दिखा देता हूँ, थ्योरी बीच में बताऊँगा मैं आपको बाद में. अब देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये टेबल, क्लियर है यहाँ पे कि स्टूडेंट का टेबल यहाँ पे
अलग बन जाएगा, उसमें देखें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आई डी आ रही है, स्टूडेंट आई डी जॉन की आई डी आ रही है 0023765, उसका ईयर ऑफ स्टडी क्या है 2009 है, और उसका सेमेस्टर क्या है सेकेंड, ऐसे देखिए एन है, एन का ये 5356433 सी के पीटर है, उसका क्या है 001234, उसका क्या है स्टूडेंट आई डी है। दूसरा टेबल हमारा यूनिट वाला है, अब वहाँ पे देखें हमने डेटा की डुप्लीकेशन को या रिपीटिंग ग्रुप को हम लोगों ने ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया। कैसे रिड्यूस किया है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट आई डी के साथ हम लोगों ने अब स्टूडेंट आई डी की बाकी डिटेल्स थी, स्टूडेंट नेम बार बार रिपीट हो रहा था, वो हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट आई डी आ रही है, यूनिट कोड आ रहा है और यूनिट नेम आ रहा है। तो काफ़ी हद तक इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या थी कि जो डेटा की डुप्लीकेशन है काफ़ी हद तक हम लोगों ने इसको रिड्यूस कर दिया है। यहाँ पे पॉइंट समझ आ गया, नहीं समझ आया आप लोगों को ये वाला पॉइंट? ये है बेसिकली रिपीटिंग ग्रुप को हम लोग ख़त्म कैसे करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट देर आर थ्री डोमेन्स, स्टूडेंट नेम, ईयर और सेमेस्टर, ये एक दूसरे को मल्टीपल टपल्स के नाम, टपल किसे बोलते हैं, रो या रिकॉर्ड को हम टपल भी कहते हैं, मतलब स्टूडेंट नेम, ईयर और सेमेस्टर रोज के अंदर बार बार रिपीट हो रहा था। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर ये रूल है, ये पॉइंट आप लोगों को परफॉर्म करना होता है कि आप लोगों को पहला काम ये है कि रिपीटिंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। अब देखें रिपीटिंग ग्रुप को अगर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता, रिपीटिंग ग्रुप आप लोग रिमूव कैसे करोगे? रिपीटिंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका यह है कि डेटा को आप लोगों ने देखना है कि डेटा रिपीट कहाँ कहाँ हो रहा है। अब जॉन डोई का रिकॉर्ड देखें बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब है कि इस टेबल के अंदर रिपीटिंग ग्रुप आ रहे हैं। उस रिपीटिंग ग्रुप को आप लोगों ने रिमूव कैसे करना है? रिमूव ऐसे ही करना है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया कि इस टेबल को आप लोगों ने ब्रेक कर देना है, मतलब एंटिटीज़ का डेटा आप लोगों ने अलग अलग कर देना है। स्टूडेंट का डेटा अलग टेबल में चला गया और यूनिट का डेटा अलग टेबल में चला गया, ठीक है। इस तरीके से रिपीटिंग ग्रुप को हम लोगों ने रिमूव कर दिया। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर कि अब स्टूडेंट है उसके मोबाइल नंबर का फ़र्ज़ कर लें, यहाँ पर एक और कॉलम होता जिसमें मोबाइल नंबर आ रहे होते, एक ही कॉलम के अंदर उसके फ़र्ज़ कर एक स्टूडेंट के दो मोबाइल नंबर हैं, एक ही कॉलम के अंदर, एक ही सेल के अंदर हम लोग अगर कॉलम कॉमा लगा के दो मोबाइल नंबर लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। एक ही टेबल के अंदर, एक ही सेल के अंदर हमने मल्टी वैल्यूज, नाम से जा रहे मल्टी वैल्यूज, एक ही सेल के अंदर मल्टी वैल्यूज हम लोग स्टोर कर रहे हैं। इस चीज़ का प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगा, इसको भी हम ऐसे रिजॉल्व करेंगे कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को उठा के हम लोग अलग टेबल में ले जाएंगे, एक अलग टेबल बनाएंगे। अब इसको मैं करके यहाँ दिखा देता हूँ, आप लोगों को समझ वैसे नहीं आएगी, आप लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे शायद। यहाँ पे मैं एक्सेल की शीट ओपन करता हूँ क्योंकि एक्सेल की शीट का स्ट्रक्चर और डेटाबेस की टेबल का स्ट्रक्चर एक जैसे ही होता है। अब फर्ज करें स्टूडेंट आईडी का एक कॉलम मैंने बनाया, स्टूडेंट नेम का, मुझे आप लोग अब साथ साथ नेम्स बताते जाएं कि मुझे नेम्स मुझे भूल जाते हैं, मुझे नेम्स ज़्यादा याद मुझे नहीं रहते। अब स्टूडेंट आई डी नंबर वन है, स्टूडेंट आई डी नंबर टू, स्टूडेंट नंबर थ्री, स्टूडेंट नंबर फोर, स्टूडेंट नंबर फाइव। अब नेम बताएं आप लोग, कौन सा नेम लिखूँ यहाँ पे? अच्छा आप लोग इधर मुतवज्जो नहीं है सर, मेरी तरफ जी सर, असद मैंने कुछ कोई चीज पूछी है मैंने आप लोगों से, आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे इधर। जी सर असद लिखें, असद। नेक्स्ट नेम क्या होगा? असद ही बताएगा। आमिर। नेक्स्ट शहजाद। नेक्स्ट अनस। काशिफ। बस बिलाल। पांच पूरे हो गए। आप फर्ज कर लें यहाँ पे मैं क्या है कि मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, पहले स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है 1231, इसके दो मोबाइल नंबर हैं, इसके कॉमा लगा दिया, दूसरा मोबाइल नंबर लिख रहे हैं इसका 343 इसी के, फिर दूसरा स्टूडेंट आमिर है, इसका मोबाइल नंबर, ये स्क्रीन का साइज़ एक सेकेंड तो इसका इनलार्ज कर लूँ, ठीक है, आमिर के दो मोबाइल नंबर हैं फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। इसी तरीके से शहजाद है, उसके भी फ़र्ज कर लें दो मोबाइल नंबर हैं। इसी तरीके अनस है, उसके फर्ज कर लें उसने तीन मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और स्टूडेंट है, उसके काशिफ, उसके क्या हैं कि फ़र्ज कर लें कि पांच, तीन मोबाइल, चार मोबाइल नंबर रखे हुए एग्जांपल के तौर पे। अब यहाँ देखिए ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट नंबर वन असद के क्या हैं, दो मोबाइल नंबर हैं, मल्टी वैल्यूड आ रही हैं, मतलब एक स्टूडेंट के मोबाइल की मल्टी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके आमिर है, उसके क्या हैं भी मोबाइल नंबर की मल्टी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके शहजाद, इसी अनस, इन सब ये क्या हैं कि मल्टी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब कल को जब आप लोग क्यूरी लिखोगे तो रिकॉर्ड में फ्रंट एंड पे प्रॉपर रिकॉर्ड
डिस्प्ले नहीं हो सकेगा, ठीक है। प्रॉपर रिकॉर्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के हैं, डेटाबेस के अंदर इशू करते हैं, कॉमे की फॉर्म में आएंगे, इनको आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इनके लिए सेपरेट करने के लिए जैसे मैंने बता रहा था, एक्सप्लोड का मेथड लगाना पड़ेगा या फिर हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस की मदद लेनी पड़ेगी, तो हमारे लिए काम क्या है काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा। सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि हम लोगों को बेसिकली एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा। हम लोग एक यहाँ पे नीचे आप देखें, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे बेसिकली इस टेबल को मैंने येलो कर दिया। अब यहाँ नीचे मैं एक और टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल में मैं मोबाइल नंबर और SID स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे फॉरेन की, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी फॉरेन की के तौर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। किसके तौर पे यूज़ कर रहा हूँ? फॉरेन की के तौर पे। मेरी ये उधर से आएगी, पेरेंट टेबल में से आएगी, ठीक है। अब यहाँ देखें मोबाइल नंबर मैं लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी भाई मोबाइल फ़ोन में कापी कर रहा हूँ। अब देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे आ रहे हैं 12313, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ लिख रहा हूँ। ये किस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है? स्टूडेंट नंबर 1 का मोबाइल नंबर है। इसी तरीके इसका दूसरा मोबाइल नंबर क्या था? ये वाला था 4323 वाला, इसको मैंने मोबाइल नंबर के टेबल के अंदर लिख दिया। ये किसका है? ये भी स्टूडेंट नंबर 1 का मोबाइल नंबर है। इसी तरीके 3231 ये मोबाइल नंबर किसका है? स्टूडेंट नंबर 2 का है, ठीक है। इसी तरीके 4433 ये किसका है? ये भी इसी का है। ओहो इधर आया, 2 का। इसी तरीके ये जो है 42 ये वाला, ये किसका है? 3 स्टूडेंट का है। इसी तरीके ये क्या है? ये भी क्या है? 3 स्टूडेंट का है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे अनस है, तो उसके भी क्या हैं? मल्टीपल मोबाइल नंबर हमारे पास आ रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें ये उसका मोबाइल नंबर है, 4 नंबर का अनस का एक और मोबाइल नंबर है, फ़र्ज़ कर लें 2 मोबाइल नंबर है उसके, 210 मोबाइल नंबर है उसका। ये भी इसके ऐसी स्टूडेंट नंबर 5 है काशिफ, उसके फ़र्ज़ कर लें नंबर है ये वाले, इधर आ गए 5, इसी के 5 4 4। तो यहाँ पे देखें अब ये बन गया। अब यहाँ से हमारे पास ये जो कॉलम होगा मोबाइल नंबर का जो कॉलम है इस टेबल के अंदर, इसको हम यहाँ से पहले टेबल में से डिलीट कर देंगे। ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा? हमारे पास अलग टेबल का पार्ट बन जाएगा। ये एग्जांपल आप लोगों को समझ आई है यहाँ पे? जी सर। ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ? अब देखें यहाँ से यहाँ पे सर्च करना बहुत आसान है। अब यहाँ पे मैं सिंपल सेलेक्ट की क्यूरी लगाऊंगा, देखें कल को। अब आप पहले जैसे बात कर रहे थे कि एक ही टेबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज में लिख दूँ, अब यहाँ पे मैं क्या है कि मुझे उस वक्त एक्सप्लोड का मेथड लगाना पड़ रहा था। अगर जिस वक्त टेबल एक ही टेबल में मल्टीपल डेटा आ रहा था ना, उस वक्त मुझे एक्सप्लोड का मेथड लगाना पड़ रहा था। अब मुझे एक्सप्लोड का मेथड नहीं लगाने की जरूरत है। मैं सिंपली अब कल को मैं कहता हूँ कि मुझे अनस का मुझे मोबाइल नंबर चाहिए या मुझे काशिफ के मोबाइल नंबर चाहिए, मुझे आईडीज़ की मैं देखना आईडी की मदद से मैं सर्च करता हूँ। तो काशिफ की फ़र्ज़ करें आईडी क्या है? 5 आईडी है। तो मैं यहाँ पे क्यूरी क्या लिखूँगा? सेलेक्ट। अब मोबाइल नंबर ही मुझे चाहिए ना, तो मोबाइल कॉलम का नेम मोबाइल नंबर, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? मोबाइल, इसको कह देता हूँ वेयर SID इक्वल्स टू 5। तो जब ये क्यूरी मेरी एग्जीक्यूट होगी तो क्यूरी मुझे क्या करेगी? इस 5 के जो दो मोबाइल नंबर हैं ये रो में, इसलिए कि पहली रो में क्या रहा होगा? 4243, और दूसरी रो में क्या डिस्प्ले हो रहा होगा? 454 ये डिस्प्ले होके मेरे सामने आ रहा होगा। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? क्यूरी में सिलेक्ट स्टैरिक नहीं होता? स्टैरिक कब यूज़ करते हैं? स्टैरिक हम उस वक्त यूज़ करते हैं जिस वक्त आप लोग टेबल के तमाम कॉलम, अब इस टेबल में कितने कॉलम है? 2 कॉलम है ना, स्टूडेंट आईडी और मोबाइल नंबर। जब आप दोनों कॉलम्स के या जितने भी कॉलम उस टेबल के अंदर मौजूद हैं उन तमाम कॉलम्स का डेटा अगर आप लोग फेच करना चाहते हैं, फिर आप लोग क्या यूज़ करते हो? स्टैरिक। अब अगर मैं यहाँ पे स्टैरिक यूज़ करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? मेरे पास एक कॉलम होगा पहला कॉलम, उसमें मेरे पास मोबाइल नंबर आ रहा होगा और दूसरे कॉलम में उसकी आईडी शो हो रही होगी। मतलब जब स्टैरिक का मतलब, स्टैरिक को हम बोलते हैं ऑल, स्टैरिक का मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट ऑल डेटा
select all data from mobile where SID is equal to 5 के स्टूडेंट आईडी नंबर 5 का सारा डेटा फेच करके ले आओ. यहाँ पे सिलेक्ट के सिलेक्ट कीवर्ड के बाद बेसिकली आप लोग एस्टेरिक यूज करेंगे तो फिर वो तमाम के तमाम कॉलम्स का डेटा फेच करके ले आएगा. सिलेक्ट के बाद आप लोग कॉलम का नेम भी मेंशन कर सकते हो जिस कॉलम का आप लोगों को डेटा चाहिए. तो मुझे तो मोबाइल नंबर कॉलम का सिर्फ डेटा चाहिए था सिर्फ और सिर्फ, ऐसे ही है कि नहीं है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर ही लिखा है. इसी तरीके जो ऊपर वाला टेबल है उसमें अब देखें, मैं चाहता हूँ फर्ज के ऊपर वाला टेबल है मेरा ये वाला स्टूडेंट का टेबल, इसमें अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे तमाम स्टूडेंट्स की आईडी और उनके नेम्स चाहिए, मुझे तमाम स्टूडेंट्स की आईडी और उनके नेम चाहिए, तो मैं कौन सी क्यूरी लिखूंगा? जो क्यूरी लिखूंगा वो मेरी ये वाली क्यूरी होगी, सिंपल सी क्यूरी, सिलेक्ट अस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट. स्टूडेंट क्या है? टेबल का नेम है. जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो मेरे सामने ऐसे ही पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले कर देगी. समझ आ गई ये बात? इसमें स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम होगा. अब फर्ज कर लें मैं ये कहता हूँ सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस आईडी इक्वल्स टू 3. अब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट नंबर 3 का जो रिकॉर्ड है मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले होगा. अगर मैं कहता हूँ सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या है? इन 5 स्टूडेंट्स का सिर्फ और सिर्फ मुझे ये वाले सिर्फ और सिर्फ मुझे नेम डिस्प्ले होंगे. अगर मैं कहता हूँ वेयर एस आई डी इक्वल्स टू 5, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 5वें स्टूडेंट का मुझे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ नेम शो होगा. ये तो खैर आप लोगों ने मुझे MySQL वाली साइट पे ले गए हैं, तो खैर चलें. तो ये आप लोगों को चीज समझ आ गई है या नहीं समझ आई? क्लियर है? जो डाउट थे आप लोगों के जहन में थोड़ी देर पहले, हो सकता है मुझे लग रहा है कि आप लोगों के जहन में डाउट थे, यकीनन तौर पे थे, तो क्या वो डाउट कुछ हद तक खत्म हुए हैं या खत्म नहीं हो सके अभी तक? जी सर, खत्म हुए हैं काफी. ठीक है, अगर कोई इशू हो तो बाद में भी आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. अब हम ये था, मैंने आप लोगों को रिपीटिंग ग्रुप के बारे में समझाया, रिपीटिंग ग्रुप रिमूव कैसे करते हैं, मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उनको रिमूव कैसे करते हैं, टेबल के ऊपर क्यूरीज कैसे लगाते हैं, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को इस बारे में बताई हैं. ठीक है, रिपीटिंग ग्रुप की एक और एग्जांपल भी यहाँ पे है. अब ये तो मैंने आप लोगों को बताया था एक ही टेबल में रिपीटिंग ग्रुप आ रहा है, एक ही टेबल में आ रहा है. ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका डेटा, आपका जो स्टूडेंट का डेटा है वो मल्टीपल टेबल्स में रिपीट हो रहा है. एग्जाम्पल के तौर पर कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, ये चीज़ें मतलब डिपार्टमेंट के पास भी पड़ी हैं और यही स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर एडमिन के पास भी पड़ा है, तो फिर भी रिपीटिंग ग्रुप है. बात समझ आ रही है? रिपीटिंग ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि डेटा एक ही टेबल में होगा. रिपीटिंग ग्रुप का मतलब ये भी है कि आपका सेम डेटा अगर मल्टीपल टेबल्स के अंदर रिपीट हो रहा है तो देन इट विल बी आल्सो कॉल्ड अ रिपीटिंग ग्रुप. फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उस डेटा को एक जगह लेके आना होगा, एक ही टेबल में लेके आना होगा. ठीक है, ये बात भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. अब यहाँ देखें वो एग्जांपल दे रहा है. एग्जांपल क्या है कि फ़र्ज़ कर लें देयर इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं. फॉर एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे, उसमें 3 एम्प्लॉय की एग्जांपल वो ले रहा है. रॉजर डेविस है, टीना मार्टिन है और जोश टर्नर है. ये 3 एम्प्लॉय हैं जो कि, ये ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि 2 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं. एक कंपनी के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, उन 2 डिपार्टमेंट्स में 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं. एक आईटी डिपार्टमेंट में भी ये काम कर रहे हैं और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी ये काम कर रहे हैं. अब जब ये 2 डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे तो इशू पता है क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि इन 3 एम्प्लॉयज़ का जो रिकॉर्ड है वो दोनों डिपार्टमेंट्स के पास है. आईटी वालों ने भी इनका रिकॉर्ड अपने पास रखा हुआ है. आईटी वालों ने अपने टेबल में रॉजर डेविस का डेटा रखा हुआ है, उसका नेम, फादर नेम, उसका मतलब ये है कि आईडी कार्ड नंबर, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा रखा हुआ है. टीना मार्टिन्स का डेटा भी आईटी के पास भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी है. जो टर्नर का डेटा आईटी के पास भी है और फाइनेंस के पास भी है. अब यहाँ पे देखें डेटा उनका 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या है कि रिपीट हो रहा है, डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, डेटा की रिपीटिशन आ रही है. अब यहाँ पे इशू क्या आएगा? अब कल को फ़र्ज़ कर लें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पता चलता है ये टीना मार्टिन्स है, इसके नाम की स्पेलिंग या इसकी डेट ऑफ बर्थ या इसका आईडी कार्ड नंबर गलत था, तो टीना मार्टिन्स क्या है, वो जाती है. टीना मार्टिन्स का टाइम ज़ाया होगा. पहला इशू क्या है, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटा सा इशू, हालांकि है तो बड़ा इशू. खैर
क्या है कि टीना मर्टन्स का एक तो टाइम ज़ाया होगा, उसको अपना आईडी कार्ड का डेटा या अपना नेम या अपनी ये जो भी डेटा उसको मतलब गलत है उसको दोनों डिपार्टमेंट्स के पास जाके उसको वो वेरीफाई करवा के करेक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है वो भूल जाए, वो सिर्फ और सिर्फ आई टी, क्योंकि टीना मार्टिन्स को तो नहीं पता ना कि मेरा डेटा किस किस डिपार्टमेंट के पास पड़ा है। ठीक है, ये तो देखें ना, यूज़र को तो नहीं पता होता कि मेरा डेटा कहाँ कहाँ पड़ा है। अब टीना मार्टिन्स का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि टीना मार्टिन्स को जब पता चले कि मेरा डेटा जो है आई टी के पास गलत पड़ा है, वो आई टी के पास आए अपना रिकॉर्ड वो वहाँ से दुरुस्त करा के चली जाएगी उसके बाद। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि मेरा डेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी है, तो अब देखें उसका डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। कल को कोई नया बंदा आता है, जब वो टीना मार्टिन्स का रिकॉर्ड निकालेगा तो टीना मार्टिन्स के दो डिफरेंट रिकॉर्ड आ रहे होंगे, एक जगह ठीक होगा और एक जगह ऐसी बात गलत होगा, तो उसको अब यहाँ पे डाउट पैदा हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा अभी कौन सा डेटा टीना मार्टिन्स का ठीक वाला है और कौन सा डेटा उसका गलत है। अब कल को फर्ज कर लें टीना मार्टिन्स का रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ जाता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में डेटा उसका रिपीट हो रहा है, तो टीना मार्टिन्स को एक जगह से डिलीट कर देते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से डिलीट करना वो भूल जाते हैं, उस कंपनी के अंदर टीना मार्टिन्स का डेटा एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो ये भी एक इशू है। ठीक है, तो ये बेसिकली देखें रिपीटिंग ग्रुप की वजह से क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दी है, क्या ये क्लियर आप लोगों को है या क्लियर नहीं है? जी सर क्लियर हो। कोई इशू है यहाँ पे? नो सर। अपना बिलाल खान रोल नंबर 22, बिलाल खान रोल नंबर 22। बिलाल बच्चे रोल नंबर 22। जी सर क्लियर है। नहीं क्या क्लियर है, मतलब रिपीटिंग ग्रुप को डिफाइन करें, रिपीटिंग ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज रिपीटिंग ग्रुप? इसमें सर बार बार रिकॉर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं। बार बार क्या है, बार बार क्या हो रहा होता है सर? रिकॉर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो डुप्लीकेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे बताएगा एहसान रोल नंबर 9। एहसान रोल नंबर 9, ये आप लोग लगते सारे के सारे सो रहे हैं, ये इनकी है ना, इनकी एब्सेंट लगा दें, जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ एहसान की एब्सेंट लगा दें इसकी। ठीक है, आप ये नींद में पड़े थे, अब आप उठे हैं, आप सो जाएं, कोई जरूरत नहीं है, इतने बार मैं बार बार नहीं पूछ।